देखिए देखिए साफ बात कि हम महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और कोई कार्यक्रम हुआ है तो हम लोगों ने साथ मिलकर के वो किया है और हम लोगों का पहले से ही पुरजोर तरीके से पूरा समर्थन हम लोगों को जो केंद्र विद्यालय को लेकर के अनशन पे जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा जी ने बैठने का काम किया हम लोगों का समर्थन रहा है। सवाल ये है कि सरकार सत्ता के नशे में चूर है और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की चिंता नहीं है, युवाओं की चिंता नहीं है, शिक्षा की चिंता नहीं है, स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, आप देखिएगा बाढ़ सुखाड़ की चिंता नहीं है, उनको चिंता केवल केवल जो है वो अपनी कुर्सी बचाने का है। आप बताइए कि कौन सा ऐसा मांग हम लोग मांग रहे हैं जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये दो केंद्रीय विद्यालय अगर बनेंगे तो इसको फायदा और लाभ जो है बिहार के गरीब बच्चों का होगा, जिससे कि बिहार के भविष्य जो होंगे बेहतर होंगे और शिक्षा स्कूल की के लिए हम लोगों को अनशन पे बैठना पड़ रहा है। और दुखद बात यह है कि सरकार जो है पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, यानी साफ संदेश ये है कि विपक्ष के लोग चाहते हैं बिहार में स्कूल बने और नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार में स्कूल ना बने। हम लोग चाहते हैं बेहतर अस्पताल बने, नीतीश कुमार चाहते हैं बेहतर अस्पताल ना मिले। हम लोग चाहते हैं नौजवानों को रोजगार मिले और नीतीश कुमार चाहते हैं रोजगार ना मिले। हम चाहते हैं महंगाई कम हो, नीतीश कुमार चाहते हैं महंगाई कम ना हो। हम चाहते हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष पैकेज मिले, लेकिन नीतीश कुमार जी को इसकी चिंता नहीं। हम चाहते हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर सुधरे, सब सुरक्षित रहे, लेकिन नीतीश कुमार जी चाहते हैं बिहार में अपराधियों का बोलबाला रहे। और ऐसी कौन सी मांग है जो सरकार जो है एनओसी केवल देना है? जमीन उपलब्ध है, हर चीजें उपलब्ध है, पहले से भी स्वीकृत हो चुका है ये। और हमारे सरकार के समय में भी कई केंद्रीय विद्यालय जो है वो दिया गया था जिसके लिए जमीन नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया। काफी बिहार में इशू है, लेकिन नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा। जैसा जगदा बाबू जी ने बताया, ये सरकार एकदम असंवेदनशील है और इसको कोई परवाह नहीं, काम करने की, विकास करने की कोई चिंता नहीं है। और एक भी सरकार के द्वारा कोई भी उपेंद्र कुशवाहा जी से हालचाल तक पूछने नहीं आया, समस्या को जानने नहीं आया। यानी ये साफ तौर पे ये सरकार का इंटेंशन है कि सरकार चाहती नहीं है कि केंद्र विद्यालय बने। जो एक महंत है उनके द्वारा, आप जानते हैं कि समस्तीपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुला है वहाँ भी जो जमीन जो दिया गया उसमें भी काफ़ी इश्यू चल रहा था, लेकिन वो भी महंत द्वारा ही दिया गया था। और इसमें तो राज्य सरकार को कुछ नहीं करना, केवल एनओसी देना है, लेकिन फिर भी राज्य सरकार को इसकी परवाह नहीं है। हम महागठबंधन के लोगों ने आज मिलकर के फैसला लिया है कि हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलकर के विनती करेंगे कि ये जो कसाई जैसा व्यवहार जो सरकार कर रही है, जो कान में रुई डाली हुई है, मुंह में दही जमाई हुई है, इससे आमरण अनशन तोड़े और शरीर को ठीक करे, दुरुस्त हो और बड़ा आंदोलन हर एक मुद्दे को लेकर के महागठबंधन के लोग जो है साथ मिलकर के इस सरकार के लड़ने का काम करे और बिहार की जनता की आवाज़ को बुलंद करे। तो इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाया गया है और हमारे बीच आदरणीय हमारे अभिभावक शरद यादव जी, मांझी जी, अखिलेश सिंह जी, हमारे लेफ्ट के सभी सम्मानित नेतागण और RLSP के और VIP पार्टी के